हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपुस किचन। आज का रेसिपी घी मिसो। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घी मिसो बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक कप घी, यही मेजरमेंट में मैं छोटे कटोर में रखा। एक कप बेसन, एक कप शुगर सेम क्वांटिटी में, और दो चम्मच पानी यूज़ करूँगी। चार इलायची को पाउडर बना के रखा। कढ़ाई में जो बेसन लिया वो ऐड कर देती हूँ और ड्राई रोस्ट पहले कर लूँगी लो फ्लेम में। तभी बेसन का खुशबू निकल आएगा, मीन्स फ्राई हो जाएगा, तभी मैं घी ऐड करूँगी। ऐसे 5 मिनट्स मैं ड्राई रोस्ट कर लिया। अभी जो घी लिया इसमें ऐड कर दूँगी। आधा ऐड करूंगी और 2 चम्मच बाकी रखा और बाद में यूज़ करूंगी। घी में बेसन को और एक बार अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूंगी। घी मेल्ट हो गया और बेसन को घी में और 5 मिनट्स कुक करूंगी। बेसन अच्छी तरह से फ्राई हो गया, साइड से अभी घी छोड़ रहे स्टेज में। और 2 मिनट ऐसे बेसन को कंटिन्यूसली स्टार करते जाने का। बेसन भून के रेडी हो गया। अभी गैस बंद करके साइड में छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस में चलती हूँ। एक पैन में जो शुगर लिया वो ऐड कर देती हूँ और पानी, और एक तर का चटनी बना लेती हूँ। कम पानी यूज किया क्योंकि जो एक तर का चटनी बनाने का है वो जल्दी से बन जाएगा। पहले शुगर मेल्ट होने के बाद चेक करूंगी। हाई फ्लेम में शुगर को मेल्ट कर लिया। अभी चेक कर लेती हूँ एक तर बना कि नहीं। एक तर भी बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अभी जो बेसन का फ्राई करके रखा था घी में वो रख लिया, और थोड़ा थोड़ा करके जो शुगर सिरप बनाया वो ऐड कर दूंगी और मिक्स करते जाऊंगी। फ्लेम लो पे ही रखने का। शुगर सिरप ऐड करने के बाद ऐसे साइड से बबल्स आएगा और अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करते जाने का। और 2 चम्मच घी ऐड कर देती हूँ, मेल्टेड घी, और ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाऊंगी। जैसे घी मिक्स हुआ और 2 चम्मच घी ऐड कर दिया, जो बचे हुए घी था वो भी मेल्ट करके मैं ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अभी जो इलायची पाउडर करके रखा था फ्लेवर के लिए ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। घी भी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। ऐसे केक मोल्ड में बटर पेपर रख के घी ग्रीसिंग कर लिया। ये बहुत जल्दी बनाना पड़ता है क्योंकि जो घी मिसो का मिश्रण बनाया वो फटाफट ऐड करना पड़ेगा।
ऐसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। अभी ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, बाद में कट करूँगी। कट लगा लेती हूँ। कट लगा लिया, अब प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। टेस्टी घी मिसो बन के रेडी हो गया। मैं काजू के साथ सर्व किया। ये बहुत सॉफ्ट बनता है, देखिए एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना अच्छा, माउथ मेल्टिंग, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। ऐसे बना के दिवाली में इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।